गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स आर्ट एंड क्राफ्ट बुक पेज नंबर 33। स्टूडेंट्स आपको यहां पर आज का टॉपिक है मोनोक्रोम कलरिंग कैटर। स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी पिक्चर दिया हुआ है पेज नंबर 33 पर, लेकिन हमें प्रैक्टिस करना है। तो हमारी जो येलो बुक है स्केच बुक, उसमें हमें प्रैक्टिस वर्क करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है कैटर। स्टूडेंट्स आप देखोगे, अगर ये पार्ट का छुपाते हो तो आपको ये पार्ट सिमेट्रिकल पार्ट दिखेगा। अगर आप सेंटर से डिवाइड करके चेक करोगे तो ये पार्ट सिमेट्रिकल है। स्टूडेंट्स हमें पता है सिमेट्रिकल पार्ट ड्रॉ करने के लिए हम प्रॉपर बेसिक शेप्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, तो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसमें मैंने सेंटर लाइन जो गाइड लाइन हमें गाइड करेगी वो पार्ट हमने ड्रॉ किया है। उसमें हमें प्रैक्टिस वर्क करना है, जो आपकी स्केच बुक है येलो बुक उसमें आपको ड्रॉ करना है एंड कलरिंग वर्क करना है। उसके बाद आपको जो अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट बुक है उसमें वर्क कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले टॉपिक है मोनोक्रोम। मोनोक्रोम मीन्स एक ही कलर को हम रिपीट करेंगे लाइट टू डार्क, शेडिंग वैल्यू ऐड करेंगे, उसमें दूसरा सेकेंड कलर यूज नहीं करेंगे, उसको करेंगे मोनोक्रोम। ओनली वन कलर का लाइट शेड और टिंट व्हाइट पार्ट ऐड करोगे तो वो होगा मोनोक्रोम। स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे हमने पिक्चर ड्रॉ किया है, तो मैं यहाँ पर बेसिक शेप्स रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। अभी हमें चेक करना है स्टूडेंट्स यहाँ पर कर्व पार्ट है, तो यहाँ पर हम एक कर्व पार्ट ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स हमें चेक करना है कि ये जो दोनों शेप है वो दोनों शेप सिमिलर होने चाहिए। तो आप चेक करोगे तो यहाँ पे सिमिलर पार्ट नहीं है दोनों ट्राइंगल से, तो ये पार्ट रॉन्ग है। तो उसको वापिस रफ करके और अच्छी तरह उसको आप कंप्लीट करोगे। स्टूडेंट्स ये हुआ जो हमें रेक्टेंगल है वो हमें गाइड कर रहा है सिमिलर पार्ट ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्रॉस डायगनल लाइन है, तो यहाँ से हम डायगनल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आप चेक करोगे तो यहाँ सेंटर लाइन से थोड़ा डिस्टेंस है, तो सिमिलर पार्ट यहाँ पर हम डिस्टेंस रखेंगे और ये पॉइंट को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम डायगनल लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें चेक करना है कि दोनों ट्राइंगल सेम है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक सेमी सर्कल शेप है, तो हम सेमी सर्कल से ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा, यहाँ पे सेंटर लाइन आपको दिख रहा है जो 30% पार्ट में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, डॉटेड लाइन। स्टूडेंट्स यहाँ पर कर्व लाइन है सिमिलर, यहाँ पर भी कर्व है, तो यहाँ पर हमने कर्व लाइन ऐड किया है, यहाँ पे भी हम कर्व लाइन ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम चेक करोगे तो रॉन्ग जगह उसको रफ करके सही से ड्रॉ करोगे। इसका जो हैंडल है वो एसिमेट्रिकल पार्ट में जा रहा है, तो हम उसका हैंडल ऐड करेंगे। ये हुआ हैंडल। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कलरिंग वर्क करना है, तो फर्स्ट जो है उसमें हम पेंसिल कलर यूज करेंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे पेंसिल कलर। जो सेकेंड है यहाँ पर हम यूज करेंगे वाटर कलर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पोस्टर कलर यूज नहीं करना है, हमारे पास वाटर कलर है तो हम वाटर कलर यूज करेंगे। अच्छा, तो वाटर कलर टेक्निक मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो वाटर के एक्स्ट्रा पार्ट हम रफ करेंगे। वाटर कलर जब भी हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लाइट टोन, सबसे पहले हम लाइट से अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको जो पिक्चर है उसमें आपको सबसे पहले वाटर अप्लाई करना है, उसके बाद लाइट से जो ब्राउन कलर का लाइट से है वो अप्लाई करना है। उसके ड्राई होने के बाद आफ्टर ड्राई आपको उसमें डार्क वैल्यू ऐड करना है, तो उसमें हम ऐड करेंगे डार्क से। स्टूडेंट्स ये हमें यूज करना है सबसे पहले लाइट से, फिर आफ्टर ड्राई होने के बाद उसके ऊपर डार्क से। जैसे कि शेडिंग वैल्यू हमें पता है कि यहाँ से फोकस लाइट है, तो ये पार्ट हमारा लाइट रहेगा, ये पार्ट डार्क रहेगा, सेम एज लाइट एंड डार्क, डार्क एंड लाइट। उसमें सबसे पहले हम लाइट कलर अप्लाई करेंगे, उसके बाद ड्राई होने के बाद हम सेकेंड जो लेयर है डार्क ब्राउन, तो उसमें हम और डार्क ब्राउन ऐड करेंगे। डार्क ब्राउन ऐड करने के लिए रेड और ब्लैक आप मिक्स कर सकते हो, तो उससे हम और डार्क ब्राउन कलर बनेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, तो ये प्रैक्टिस वर्क जो आपकी स्केच बुक है उसमें करना है। सेकेंड वन जो है पेंसिल कलर शेडिंग, तो सेम है फोकस लाइट अगर यहाँ सर यहाँ पे है तो ये पार्ट लाइट फोकस लाइट है, ये पार्ट लाइट दिखेगा, ये पार्ट डार्क दिखेगा। तो स्टूडेंट्स हमने सीखा है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक वर्क, तो यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रोक वर्क करेंगे। तो जहां पर लाइट है वहां पर लाइट हैंड यूज करेंगे, जहां पर डार्क ज्यादा है वहां पर हम प्रेशर हैंड प्रेशर को आप ज्यादा ऐड करोगे तो वहां पर डार्क वैल्यू दिखेगा। सेम है यहाँ पर कर्व डायरेक्शन हम
स्ट्रोक करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर लाइट से। स्टूडेंट्स ये जो हमारा बुक है आर्ट एंड क्राफ्ट बुक, उसमें आपको वर्क करना है, प्रैक्टिस वर्क। आपको जो स्केच बुक है येलो बुक, उसमें आपको प्रैक्टिस वर्क करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डार्क शेड है जब यहाँ पर लाइट शेड है। स्टूडेंट्स ये जो प्रैक्टिस वर्क है जो आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट बुक है उसमें कलरिंग वर्क कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस वर्क स्केच बुक में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।